व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आज है 26 मई और ये सभी जो सोशल मीडिया साइट्स थी वो आज के दिन जो है वो बैन होने वाली थी, लेकिन एक्चुअल में बैन नहीं हुई। तो क्या ये आगे चल के बैन हो सकती है और ऐसी क्या नौबत आ गई कि यहाँ पे इन सभी साइट्स को बैन करने की सरकार सोच रही थी या फिर ये बैन हो सकती थी। तो एक्चुअल में आज से हम 3 महीने पीछे जाते हैं और यहाँ पे सरकार ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे नियम लागू किए इन सभी कंपनियों के ऊपर, यानी कि इन्हें अभी यहाँ से अप्लाई करने पड़ेंगे ऐसे बताया गया है। तो यहाँ पे जो डेट थी वो थी 25 फरवरी 2021 और वहाँ से डेड लाइन दी गई 3 महीने की। अब यहाँ पे कल की डेट थी 25 मई, यानी कि 25 फरवरी से 25 मई तक हो चुके हैं 3 महीने और आज है 26 मई, यानी कि 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि डेड लाइन हो चुकी है समाप्त। और यहाँ पे बिल्कुल भी ये जो सभी कंपनियाँ थी इन्होंने बिल्कुल भी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बिल्कुल भी इसे सीरियस नहीं लिया। अब यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि भाई ये जो कंपनियाँ अभी बैन हो सकती है, अब देखो कि यहाँ पे इसके अंदर एक बहुत ही ईमानदार कंपनी थी जिसका नाम था कू, शायद से इसका आपने नाम सुना नहीं होगा, जो कि बिल्कुल सेम ट्विटर जैसी है और यहाँ पे इसके 65 लाख जो है वो एक्टिव सब्सक्राइबर्स है। तो इस कंपनी ने बिल्कुल सभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया, सरकार ने जो भी बताई थी गाइडलाइंस उसको सभी को फॉलो किया और यहाँ पे बिल्कुल ये सेफ हो चुकी है, लेकिन इन कंपनियों ने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। ओके, अब एक्चुअल में ये जो पॉलिसी है या फिर जो भी रूल्स है ये सरकार ने क्यों बनाए इन कंपनियों के साथ में, इनके ऊपर क्यों अप्लाई करने को बोला? तो देखो भाई कि इंडिया के अंदर जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है तो यहाँ पे एक एक्ट है जो कि आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 79 है, इसके अंदर यहाँ पे ये सभी जो कंपनियाँ हैं सोशल मीडिया कंपनी, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी और कंपनियाँ या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म अल्सो, तो यहाँ पे इनके ऊपर बिल्कुल फ्रीडम होता है, यहाँ पे इनको एक मिलती है प्रोटेक्शन। यहाँ पे अगर इनके प्लेटफॉर्म से इनके ऊपर कोई भी पोस्ट होती है जो कि भड़काऊ होती है या फिर वायलेंस क्रिएट करती है तो यहाँ पे इसका जिम्मेदार ये साइट्स नहीं होती, इनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। ओके, तो जैसे कि मान लो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के ऊपर अगर मैंने कुछ पोस्ट कर दी जो कि बिल्कुल भड़काऊ है जिससे दंगे भड़क गए तो यहाँ पे इसका जिम्मेदार जो है व्हाट्सअप नहीं रहेगा। एक्चुअली में यहाँ पे व्हाट्सअप के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी बोलती है कि भाई व्हाट्सअप जिम्मेदार नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर के जो यूजर्स है उन्होंने यहाँ पे ये पोस्ट कर रखी है, तो यहाँ पे ऐसे कंपनियाँ बच जाती है। तो लेकिन यहाँ पे जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको रोकना या फिर उनको पकड़ना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने पे क्या बोला कि भाई आप तो सेफ हो, लेकिन हमें कुछ ऐसी पॉलिसी निकालनी है, हमें कुछ ऐसे रूल्स निकालने हैं ताकि आपके जो सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जो लोग यहाँ पे गंदा काम कर रहे हैं उनको हम पकड़ पाए। तो यहाँ पे क्या करना होगा इन कंपनियों को, तो यहाँ पे क्लियरली सबसे पहले गाइडलाइंस थे कि यहाँ पे आपको कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पे जो अपॉइंट करना पड़ेंगे, जो इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के बाद में ये सब कुछ लेखा जोखा रखने वाले हैं, यानी कि जैसे कि आपको मंथली रिपोर्ट हमें सौंपनी पड़ेगी कि कौन कौन सी आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, उसको यहाँ पे रिमूव किया गया या नहीं किया गया, क्या थे उसके रीज़न, साथ में आपको जो है अगर ऐसी कुछ वायलेंस या फिर गंदी पोस्ट होती है जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रबल होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर रिमूव करना पड़ेगा और उसका पूरा डाटा हमें देना पड़ेगा, यानी कि वो पोस्ट किसने की थी सबसे पहले उसका हमें देना पड़ेगा पूरा डाटा। और यहाँ पे हमें अगर लगता है कि हमें उन लोगों की डिटेल्स चाहिए तो हमें सभी की डिटेल्स आपको 36 घंटे के अंदर या फिर जो भी 15 दिनों के अंदर हमें सौंपनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे होती है कॉम्प्रोमाइज लोगों की सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सअप यूज करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो यहाँ पे व्हाट्सअप बोलता है उसे दिक्कत होती है कि भी हम कैसे डाटा शेयर कर दें। और साथ ही में हर एक सोशल मीडिया साइट्स का फिजिकल एड्रेस उनके वेबसाइट के ऊपर मेंशन होना चाहिए, ये भी एक बात यहाँ पे सरकार ने क्लियर कर दी थी। तो कुल मिलाकर सरकार चाहती है कि यहाँ पे इन सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू अगर ट्विटर हो या फिर व्हाट्सअप हो, इनके थ्रू अगर कुछ ट्वीट किया जाता है या फिर कुछ पोस्ट आती है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कुछ वीडियो शेयर किया जाता है फेसबुक के थ्रू, तो यहाँ पे अगर वो आपत्तिजनक होता है तो उन तक पहुंचने का काम या फिर उनको मॉनिटर करने का काम यहाँ पे ये कंपनियां करें और जो भी रिपोर्ट है हमें सरकार को सौंपे ताकि इन लोगों को पकड़ सके, इन लोगों को रोक सके। तो यहाँ पे सरकार का जो इंटेंशन था वो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे इन कंपनियों को जो है ना अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है बिल्कुल नहीं चेंज करनी थी और यहाँ पे ये इनके ऊपर बिल्कुल सीरियस नहीं थी, तो ये थी बात एक्चुअल में। अब ऐसे में 3 महीने की डेडलाइन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर इंडिया के अंदर इन सभी सोशल मीडिया साइट्स को अगर सर्वाइव करना है, बिजनेस करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें व्हाट्सअप की तो 53 करोड़ यहाँ पे इनके एक्टिव यूजर्स है, साथ ही में अगर बात करें फेसबुक की तो 41 करोड़ इनके यूजर है, साथ ही में अगर बात करें इंस्टाग्राम की तो 21 करोड़ इनके एक्टिव यूजर्स है। तो ऐसे में यहाँ पे इतना बड़ा यूजर बेस इनका है तो यहाँ पे इन्हें अगर इंडिया के अंदर काम करना है तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो क्या सकता है कि अब यहाँ पे सरकार जो है इनको जो है वो कुछ टाइम एक्सटेंड करके दे सकती है। ट्विटर ने 6 महीने का समय मांगा है कि
हमें 6 महीने का समय दीजिए, हम यहाँ पे सब कुछ जो है वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हैं। अब रही बात फेसबुक की, तो फेसबुक बताता है कि भाई हम यहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे जरूर से, लेकिन रही बात व्हाट्सअप की, तो फेसबुक व्हाट्सअप कहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे व्हाट्सअप को ही होने वाली है। तो व्हाट्सअप ने जो है वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में कुछ याचिका दायर कर दी है, और साथ ही में यहाँ पे फेसबुक कंपनी जो है वो सरकार से भी कुछ बीच बीच में बात करके इसका जो है उपाय निकाल सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पे सरकार इसके ऊपर इन्हें एक्सटेंशन दे सकती है और यहाँ पे कुछ बड़ा फाइन भी लगा सकती है। तो फिलहाल के लिए अभी तो यहाँ पे ये कंपनियां बैन नहीं होने वाली और इसके ऊपर बीच का रास्ता निकलने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा इनका जो यूजर बेस है तो ये इतनी जल्दी इंडिया से बैन होना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन कोई अगर कंपनी बार बार बोलने के बाद भी, बार बार चेतावनी देने के बाद भी अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो यहाँ पे हो सकता है शायद सरकार इनके ऊपर टेम्प्ररी बैन डाल सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म का, या फिर हमेशा के लिए भी बैन डाल दे। तो ये तो बिल्कुल सरकार का हो सकता है डिसीजन, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे बीच का रास्ता निकलेगा और ये जो कंपनियाँ, ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट करेगी। बस इतना आज के वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।